से ही आपकी उपस्थिति से मुझे आंतरिक सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, पर फिर भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा। की बात है, सत्ययुग में रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। यहां आने का कारण? हमें प्रभु के दर्शन करने हैं, हमें जाने दीजिए। क्षमा कीजिए, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। प्रवेश करने दीजिए हमें। जय विजय, तुम्हें ज्ञात है तुम किसे रोक रहे हो? हम ब्रह्मदेव के चार मानस पुत्र हैं, सानंद, सनक, सनातन, और मैं सनत, सनत कुमार। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके दर्शन पाए। हमारी अनभिज्ञता को क्षमा कर दीजिए कि हम आपको पहचान न पाए, और प्रभु आपसे मिलकर अवश्य प्रसन्न होंगे। किंतु अभी उनका विश्राम का समय है, और ये हमारा दायित्व है कि हम उनके विश्राम को किसी प्रकार बाधित न होने दें। तुम नारायण के भक्तों को नारायण से मिलने से रोक रहे हो? निवेदन कर रहा हूँ, जब उनके विश्राम की अवधि पूर्ण हो जाएगी मैं आपको नहीं रोकूंगा। हम आपकी भक्ति का सम्मान करते हैं, किंतु अपने दायित्व की उपेक्षा करना हमारे लिए संभव नहीं। प्रभु के द्वारपाल होने का अहंकार है तुम्हें, अपने दायित्व को हमारी भक्ति से बड़ा समझने का अहंकार है तुम्हें, और ऐसे अहंकारी प्रभु के सामीप्य रहने के योग्य हो ही नहीं सकते हैं। हम ब्रह्म के मानस पुत्र तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी दिव्यात्मा का नाश हो जाएगा, और तुम साधारण जीवात्मा की भांति भूलोक में जन्म लोगे और वही वास करोगे। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि प्रभु के दर्शन करने के लिए कितनी तपस्या और कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। हमारी इस भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए। हमें प्रभु के सामीप्य से वंचित मत कीजिए। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, आपके विश्राम को बाधित नहीं करना चाहते थे हम, और वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। सनत कुमार, हे नारायण, हम क्रोध में अपने आप पर नियंत्रण ना कर सके और श्राप दे दिया।
और प्रभु अब दिया हुआ शाप वापस तो नहीं लिया जा सकता। तो अब क्या होगा प्रभु? मैं तुम दोनों का शाप वापस तो नहीं ले सकता। हम पर दया कीजिए प्रभु। आपके लिए क्या संभव है प्रभु? उचित है। दो विकल्प है। पहला, तुम भूलोक में 7 बार जन्म लोगे मेरे भक्त के रूप में, और दूसरा कि तुम 3 बार जन्म लोगे किंतु मेरे शत्रु के रूप में। भक्ति या शत्रुता, चुनाव तुम्हें करना है। आपकी भक्ति के अतिरिक्त जीवन की कल्पना भी असंभव है मेरे लिए प्रभु। जया, क्या तुम्हारा भी यही निर्णय है? नहीं प्रभु, मुझे 3 बार जन्म लेना है आपके शत्रु के रूप में। ये क्या कह रहे हो तुम? हम प्रभु के शत्रु कैसे हो सकते हैं? 7 जन्म आपके भक्त के रूप में, अर्थात 7 जन्म के लिए आपसे विछू। हम इतने अधिक समय तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे प्रभु। आपके शत्रु के रूप में 3 जन्मों का अर्थ होगा कि प्रत्येक जन्मों में हमें आपके दर्शन अवश्य होंगे। जब आप हमारा अंत करने आएंगे, इस प्रकार प्रत्येक बार हमें आपके हाथों मृत्यु प्राप्त होगी और शीघ्र ही आपके पास लौट आने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। उचित है। मैं तुम दोनों की भक्ति से भलीभांति परिचित हूं, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। पहले जन्म में तुम हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लोगे, और मैं नरसिम्हा तत्वरह के रूप में आकर तुम्हारा अंत करूंगा। दूसरी बार तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे, और मैं राम के रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तीसरे जन्म में तुम शिशुपाल और दंत वक्र बनकर जन्म लोगे, और मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जाओ, अपना पहला जन्म लो। प्रभु, आपका आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ, किंतु जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आगे।
वरदान हो। अनन्य भक्त से बिछड़ने की पीड़ा आपके नेत्रों में प्रत्यक्ष हो रही है स्वामी। आपसे बिछो की पीड़ा और भी अधिक होगी मुझे। मुझसे? त्रेता युग में जब जया और विजया रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे तब हमारा बिछो उनकी मृत्यु का, उनकी मुक्ति का निमित्त बनेगा।